एपिसोड नंबर 278 278। आरंभ होता है श्री रामचरितमानस के पांचवें सोपान सुंदर कांड का संगीतबद्ध पाठ। मंगलाचरण के श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्भरा अर्थात पूर्ण भक्ति की याचना करते हुए जगदीश्वर के राम रूप की वंदना की है। माया से मनुष्य रूप धारण करने वाले रघुकुल मणि शांत चित्त शाश्वत शांति देने वाले सर्वव्यापी और सभी प्रकार के प्रमाणों से परे हैं। इस वंदना के पश्चात भक्त कवि ने अतुलित बल वाले पवनसुत हनुमान को प्रणाम निवेदित किया है, जिन्हें सुमेरु पर्वत के समान कांति प्राप्त है, किंतु जो दैत्यों का विनाश करने के लिए अग्नि रूप धारण कर लेते हैं। सागर तट पर रीछराज जांबवान के प्रेरणा भरे वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान को अपनी क्षमता और सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यां जगदीश्वरं हवान खिला
जन सुहाई। सुनी हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोही परिखे हो तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीत ही देखी, होई ही काजू मोही अरख बिसेखी। यह कही नाई सब नी कहूँ माथा, चले हूँ घर की हरी रखूँगा। चार